let's discuss a case study on IS audit. यहाँ पे दो फर्म्स इन्वॉल्व है. पहली है मेजर्स इन्फोटेक सॉल्यूशन जो कि एक आईएएस ऑडिटर है फर्म है. दूसरी है यहाँ पे एक लार्ज रिटेल चेन जो कि ऑडिटी है. दोनों के बीच में एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन हुआ है. उस एग्रीमेंट में कुछ नियम क्लॉजेस लिखे हुए हैं वो हम देखेंगे. सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, क्या कि आईएएस ऑडिट में आखिर करना क्या है. तो इस आईएएस ऑडिट में जो लार्ज रिटेल चेन है उसका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं ऑनलाइन पोर्टल में उसकी इफेक्टिवनेस को रिव्यू करना है कि भाई वो जितने भी कंट्रोल्स उनके ऑनलाइन पोर्टल में लगे हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं. तो ये था, ये तो है स्कोप ऑफ वर्क. अब सर्विस लेवल एग्रीमेंट में क्या साइन हुआ है वो हम देख लेते हैं. सर्विस लेवल एग्रीमेंट में एक ऐसा क्लॉज लिखा हुआ है जो कि थोड़ा ध्यान देने वाला है, ध्यान से सुनिए. वो क्लॉज ये है कि जो ऑडिटर फर्म है एमएस जो मेजर्स इन्फोटेक सॉल्यूशंस, उनको यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट एक महीने के अंदर सबमिट करनी है. अगर 30 डेज के अंदर सबमिट कर दिए तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. अगर 31 डेज से 40 डेज के बीच में सबमिट कर रहे हैं तो टोटल फीस जो मिलने वाली है ऑडिट फीस उसमें से 10% पेनल्टी लग जाएगी, 10% माइनस हो जाएगा. वैसे ही 41 से 50 डेज होता है तो 20%, तो 51 से 60 डेज होता है तो 30% पेनल्टी, और अबव 60 डेज अगर हम सबमिट करते हैं तो 50% ऑफ टोटल फीस जो रहेगी वो हमारी पेनल्टी बन जाएगी. तो ये एक क्लॉज लिखा हुआ है. तो अब जो मेजर इन्फोटेक सॉल्यूशंस जो फर्म थी, अब उन्होंने सोचा कि अब उनकी प्लानिंग चालू हुई कि अब ये क्लॉज को भी मीट करना है तो उस हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. तो ऑडिट प्लानिंग यहाँ पे करने चालू करे तो उन्होंने डिसाइड किया अपने ऑडिट प्रोग्राम में कि हम रिस्क असेसमेंट जो रहता है, डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट करते हैं, वो स्टेप हम स्किप कर देते हैं, हम वो नहीं करेंगे. हम क्या, इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं कि एक सीनियर आईएएस ऑडिटर जो है उसको डायरेक्टली असाइन कर देते हैं ये टास्क. वो अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से सैम्पलिंग टेक्निक लगा के जो ऑडिट करना है उसको वो चूज़ कर लेगा, और साथ में दो एसोसिएट स्टाफ भी दे देते हैं इनको इस असाइनमेंट ले, और अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो और दे देंगे. फिर और ऑडिट प्रोग्राम में ये लिखा गया कि जो सीनियर ऑडिटर रहेगा उसको एक ड्राफ्ट रिपोर्ट पार्टनर को सबमिट करनी है 25th डे पे, और फिर जो फाइनल रिपोर्ट है वो 38th डे पे क्लाइंट को इशू कर दी जाएगी ताकि हम कोई पेनल्टी ना लगे, हमारे पास 30 दिन के अंदर अंदर हमारा काम हो जाए. ऐसा ऑडिट प्रोग्राम यहाँ पे बन रहा है. और यहाँ पे और एकदम मज़े की बात यह है कि इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम टाइम बचाने के लिए अभी जो वर्किंग पेपर्स है, एविडेंस है, वो सब अभी इकट्ठा नहीं करते. जब ये काम हो जाएगा, हमारी फाइनल रिपोर्ट हम सबमिट कर देंगे, उसके बाद हम बनाते रहेंगे एविडेंस वगैरह. तो ये इस तरीके से ऑडिट प्रोग्राम बनाया. ऑडिट प्रोग्राम सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ें हो रही है. अब उन्हीं गड़बड़ के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा. अब क्वेश्चन जो इसमें पहला निकल के आता है कि जब मेजर इन्फोटेक सॉल्यूशंस यहाँ पे जब ऑडिट की प्लानिंग कर रहा था तो उसको क्या सबसे पहले करना चाहिए. पहला है, इसमें चार ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है एरियाज ऑफ हाई रिस्क को इनको देखना चाहिए था. दूसरा है स्किल सेट्स ऑफ द ऑडिट स्टाफ यहाँ पे देखना चाहिए था. थर्ड है कि टेस्ट स्टेप्स इन द ऑडिट, और फोर्थ है टाइम अलॉटेड फॉर द ऑडिट. तो ये चारों में क्या चीज़ सबसे पहले करनी चाहिए थी जब ये ऑडिट प्रोग्राम बनाया जा रहा था. तो हमने ऑडिट प्रोग्राम में देखा था इन लोगों ने रिस्क असेसमेंट को मिस कर दिया था. तो रिस्क असेसमेंट इन लोगों ने नहीं किया है तो हाई रिस्क जो एरियाज है वो इन लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और हाई रिस्क एरियाज ही अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आगे का ऑडिट की प्लानिंग ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किस टाइप के स्टाफ की ज़रूरत है वो भी नहीं बता पाएंगे. क्या क्या स्टेप्स लगेंगे ऑडिट में ये भी नहीं फिक्स कर सकते. टाइम कितना लगेगा ऑडिट में, जब तक रिस्क ही नहीं असेस किए तो हम टाइम भी नहीं बता सकते. इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है यहाँ पर रिस्क असेसमेंट, जिससे कि हम हाई रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करें. तो इसमें जो आंसर है वो है पहला, हाई रिस्क एरियाज. चलिए अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं हम. दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेजर इन्फोटेक सॉल्यूशंस ने यहाँ पे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को स्किप कर दिया था. तो प्राइमरी रिस्क यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है. अब रिस्क असेसमेंट नहीं हुआ है तो क्या रिस्क हो सकता है, ये अगर हम सोच के देखें कि क्या रिस्क हो सकता है, तो भाई उनका जो हाई रिस्क एरियाज ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं. तो जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज लगने चाहिए वहाँ पे उतने रिसोर्सेज नहीं लग पाएंगे. तो वही यहाँ पे पहला ऑप्शन है, रिसोर्सेज में नॉट बी एलोकेटेड टू द एरियाज ऑफ हाईएस्ट कंसर्न. तो ये बोल रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि हाई रिस्क एरियाज ही नहीं पता है तो हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि कौन से जगह पे ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा ऑडिट करने की ज़रूरत है, तो वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. तो वही यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क है. उसके बाद इसमें सेकेंड ऑप्शन है कि बजट्स आर मोर लाइकली टू बी मेट बाय द आईएएस ऑडिट स्टाफ. तो बजट का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आईएएस ऑडिट का जो रिस्क असेसमेंट जो है अगर वो हो गया रहता तो भी हम बजट को मीट कर सकते हैं.
और नहीं किए हैं तो भी यहाँ पे मीट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई इसमें पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन कोई काम का नहीं। थर्ड ऑप्शन है मे नॉट एबल टू कंप्लीट असाइनमेंट एज पर टाइमलाइन डिफाइंड इन SLA। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये रिस्क असेसमेंट नहीं किया है तो इन लोग जो टाइमलाइन लिखी है 30 दिन के अंदर वो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है, उन लोग कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट नहीं हुआ है तो भी कर सकते हैं। और चौथा है कि सीनियर ऑडिटर में नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, तो इसका भी रिस्क असेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो इसका पहला ऑप्शन था रिसोर्सेज में नॉट बी एलोकेटेड टू एरियाज ऑफ हाईएस्ट कंसर्न, तो ये इसका आंसर रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि जो सीनियर ऑडिटर को, यहाँ पे हमने देखा था कि सीनियर ऑडिटर को डायरेक्टली यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया था, असाइन कर दिया गया था टास्क। अब अगर वो सैम्पलिंग बेसिस पे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या 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 हमें ऑडिट करना है और उसको ऑडिट करा जा रहा है यहाँ पे सीनियर ऑडिटर की तरफ से, तो इसमें क्या यहाँ पे कौन सी रिस्क यहाँ पे अफेक्ट होने वाली है? तो यहाँ पे जो रिस्क चार ऑप्शन दिए हुए हैं, डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और बिजनेस रिस्क। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क इसलिए क्योंकि ऑडिटर के सिलेक्शन के बेसिस में अगर जो चॉइस किया जाता है कि अगर भाई ऑडिटर ही उसको ऑडिट नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो क्या रिस्क होती है, तो वो होती है डिटेक्शन रिस्क। मतलब ऑडिट यहाँ पे सीनियर जो हमारा ऑडिटर है, सीनियर ऑडिटर, वो यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स तो सब लगा रहा है, सारा कुछ टेस्ट वगैरह कर रहा है, पर फिर भी वो जो रिस्क ये रहेगा कि फिर भी जो लैकुनास है वो पकड़ में नहीं आ पाएगी, तो ये यहाँ पे एक रिस्क रह जाता है। इनहेरेंट रिस्क तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो IAS ऑडिटर से उसका कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस पे डिपेंडेंट होता है इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क भी कंपनी मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट रहता है और IAS ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस रिस्क भी IAS ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क है जो कि हमारा आंसर रहेगा।